हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो 7777। यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोगों की लाइफ आप सभी के अकॉर्डिंग हो और बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लग्जरियस हो। आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ इसी तरह है जो कि डेस्टिनी से रिलेटेड है। मतलब कि देखेंगे आज कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, और आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ और आगे आने वाले टाइम में क्या लेकर आ रही है। मतलब पूरे ओवरऑल डेस्टिनी, पूरे ओवरऑल आपके रेस्ट ऑफ द लाइफ को देखने वाले हैं कि आपका रेस्ट ऑफ द लाइफ कैसा रहेगा, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा, जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा या नहीं, या उससे भी बहुत बेहतर होगा। क्या आपके डेस्टिनी में जो आप सोच रहे हो उससे भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा है, तो क्या क्या ऐसा लिखा है जो कि आपको गुड न्यूज़ देगा, ब्लेसिंग्स देंगे, सरप्राइजेस देंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। और आपके अंदर खुद ही आपकी पर्सनालिटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी आपको पता चलेगा। साथ साथ इधर हम ये भी देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपका मैरिड लाइफ कैसा हो सकता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएंगे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, या इम्पॉर्टेंट है सबसे हेल्थ, तो हेल्थ से रिलेटेड भी अगर कुछ गाइडेंस आया तो मैं आपको बताऊंगी। साथ साथ आपके लिए कुछ डिवाइन गाइडेंस भी लूंगी कि अभी आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी डेस्टिनी जो भी आपको देने वाली है वो आप जल्दी से जल्दी लिख पाए, अपने लाइफ में जल्दी से उसको ग्रैब कर पाए। और कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपके डेस्टिनी में ना लिखा हो लेकिन आपको चाहिए, तो आप उसको कैसे हासिल कर सकते हैं अपने लाइफ में, वो सारे बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो भी गाइडेंस यहाँ पे लाइक अफर्मेशन, स्विच कोर्स, रेमेडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। कैसे लोगों से अवेयर रहना है, कैसे कैसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब आपको पता चलेगा। ओके, सो पहले क्या करना है, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है, फैमिली मेंबर बन जाना है, और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो किया है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल मिल जाएगा। तो वो जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, तो उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पहुँच जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी अपनी पर्सनल डील ले सकते हैं, और आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट अभी भी ऑन है। कल तक ये ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन रहेगा क्योंकि आपका ये इंडिपेंडेंस डे ऑफर आपका चल रहा है, तो कल तक रहेगा और कल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपनी सीट जो है जल्दी जल्दी बुक कीजिए क्योंकि सीट भी लिमिटेड है, तो अपनी रीडिंग आप सभी लोग ले सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी हो, किसी भी टॉपिक पे, चाहिए मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, या कुछ भी, आप इजिली बुकिंग कर सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। और राइट, सो अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले, कभी भी कहीं भी हो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। तीन पाइल है, ठीक है, तीन में से आप दो भी देख सकते हैं, तीनों के तीनों भी देख सकते हैं, और रीडिंग को शेयर कर दीजिएगा, इससे आपका कर्म अच्छा होगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी आप देख सकते हो। तो अगर आपका बर्थ डेट या जिसके लिए भी आप देख रहे हैं उनका बर्थ डेट 1 से 10 के बीच में आता है तो पाइल वन उनकी रीडिंग होगी। कार्ड है यहाँ पे दिस वन, फेथफुलनेस वॉयलेट, दिस इज फॉर पाइल वन। पाइल टू, अगर आपका बर्थ डेट 11 से 20 के बीच में आता है तो पाइल टू आपकी रीडिंग होगी, और आपके लिए जो कार्ड है दिस वन, डिग्निटी डालिया। एंड थर्ड पाइल थ्री, अगर आपका बर्थ डेट 21 से लेके 31 के बीच में आता है तो पाइल थ्री आपकी रीडिंग होगी, और आपके लिए जो कार्ड है वो है आपका दिस वन, थैंकफुलनेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो इंटिटिवली सेलेक्ट कर लीजिए भगवान ईश्वर जी, जैसे अल्लाह वाहे गुरु, जैसे भी आप मानते हैं उनका नाम लेके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। सो मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल वन, होप कि आप अपने इस ब्यूटिफुल वॉयलेट कार्ड को सेलेक्ट किए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस बर्थ डेट को, 1 से 20 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा। तो चलिए यहाँ पे आपकी जो रीडिंग है वो शुरू करते हैं आपके टैरो कार्ड्स के थ्रू। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बिल्कुल पहले आप लोग पॉजिटिव हो जाइए। यहाँ पे आपको पता क्या चलने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, और क्या आप बन के रहेंगे, क्या आपको मिलकर रहेगा, और ऐसा क्या है जो कि आपके डेस्टिनी में लिखा है और आपको
पता ही नहीं है, ठीक है, और ऐसा क्या है जो कि आप अपने किस्मत में लिख सकते हैं खुद, और कैसे लिख सकते हो वो भी मैं बताऊंगी, कैसे लोगों से आपको बच के रहना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, डेस्टिनी में क्या लिखा है? सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा है, कोई कंपटीशन, कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन या कुछ भी ऐसा है ना, तो ये जो कंपटीशन का सिलसिला आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है। उससे फ्रीडम मुझे यहाँ पे देख रही हो कि आपको मिल रहा है। देखिए, पर्सनली के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों का पर्सनली पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, और ये इंडिपेंडेंस डे का है, ठीक है। तो और ये जो पर्सनल रीडिंग है वो कल ही ख़त्म हो जाएगा, और कल ख़त्म हो जाएगा तो आपको पता चलेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग बुकिंग कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ईजिली, बहुत आराम से बुक कर सकते हैं। इसलिए मैंने आप सभी को फाइल वन इन्फॉर्म कर दिया है। आपके अगल बगल है किसी को ज़रूरत है तो उनको भी आप इन्फॉर्म ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मैं कुछ और भी कार्ड्स ले रही हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से गाइडेंस मिले। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अभी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि अब आपके लाइफ में टाइम आ रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें कि आप आपके घर के लोग, घर के बच्चे, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, सभी लोग लाइक झूम उठे हैं, बहुत सारी खुशियाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे कार्ड है कि शुरुआत करिए आप सभी लोग इस रीडिंग को बहुत पॉजिटिविटी के साथ, थैंकफुलनेस के साथ, और एक फेथफुलनेस के साथ। यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं हैव फेथ, क्योंकि जितना फेथ होगा उतना ज़्यादा आप लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ेंगे। हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि यस, डेफिनेटली आपके लाइफ में लिखा है कि आप बहुत स्ट्रगल किए हो, कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपने लाइफ में ये जो स्ट्रगल किया, क्या उसके बदले में जो कभी कुछ भी नहीं मिलेगा? ऑफकोर्स मिलेगा, और बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं कार्ड एक्सप्लेन करना चाहूँगी, वो है आपका फाइव ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्लियर क्लियर ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में ये जो भी सिचुएशन चल रहा है इसकी एंडिंग होने वाली है, और आपकी लाइफ में जैसे कि एक नए चैप्टर की ओपनिंग होगी, और जैसे एक नए चैप्टर की ओपनिंग होगी वैसे आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, वैसे डेस्टिनी कुछ और ही कमाल करना शुरू कर देगी। ये कैसा कमाल हो सकता है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपको खुद भी अपने अंदर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना होगा, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी से आप काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है, शायद थोड़ा सा और चेंजेस लाएंगे ना, तो आप उस जो स्ट्रगल में फंसे हुए, स्ट्रगल में जो फंसे हुए इससे आप निकल जाएंगे, ठीक है। आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आ जाएंगे, लीडरशिप कह सकते हैं कि रोल में आ जाएंगे, आपको लीडरशिप रोल मिलेगा, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है। तो सबसे पहली बात, अगर आपके लाइफ में अभी किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, किसी भी तरह की फाइटिंग चल रही है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, किसी डिस्प्यूट में फंस चुके हैं, चाहे वो लैंड का हो या फिर घर का हो, या कोई लीगल केस हो, डिवोर्स का कोई सीन हो, या कोई आपसे बहुत डिसएग्री कर रहा हो, स्ट्रगल का है, या फिर सारे लोग आपके ओपोजिट हो गए हैं, ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि पूरी दुनिया जो है मेरे अगेंस्ट चली गई है, मैं क्या कर पाऊँगा या मैं क्या कर पाऊँगी, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपका फ्रस्ट्रेशन है ये बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। आपकी लाइफ जो है वो रफ से बहुत स्मूथ होने वाली है। एक बात यहां पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको भी लोगों के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार रखना होगा, ठीक है, लोगों के साथ कभी बेईमानी नहीं करनी होगी, लोगों के साथ फेथफुलनेस में रहना होगा, ये चीज कहा जा रहा है। आप किसी को कंट्रोल ना कीजिए बल्कि अपने एग्रेशन को कंट्रोल कीजिए, यही आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, यही आपका मूल मंत्र है कि आप अपने डेस्टिनी को छू पाएंगे और ग्रैब कर पाएंगे जो भी आपके डेस्टिनी में है, जो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन है, चाहे आप स्पोर्ट्स के फील्ड से हैं, चाहे आप म्यूजिशियन हैं, म्यूजिकल फील्ड से हैं, कुछ भी ऐसा है, आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन ये स्ट्रगल आपको बहुत ही ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। ये स्ट्रगल आपको ये कह रहा है कि बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और किसी के अंडर में आपको काम करना पड़ रहा है, तो आपको उसको यही सोच के चलना है कि ये मेरे मतलब वर्क का ही पार्ट है, और जब एक टाइम ऐसा आएगा तो मैं अपने ड्रीम जॉब में आ जाऊँगी या आ जाऊँगा तो फिर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालता हो, तो वो उसका फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, आप अपने ऊपर एकदम उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बोल दिए आप इग्नोर कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप रियल इस्टेट में हैं,
या फिर आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपके क्लाइंट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपके पेशेंट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक फेमस डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, आप एक फेमस बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर कहीं भी वर्क प्लेस पे ही अगर आपका लड़ाई झगड़ा कोई कॉम्पिटिशन कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो वो सॉल्व हो जाएगा, या स्कूल कॉलेजेस में है, आस पड़ोस में है, नेबर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो सबसे मैं देख रही हूँ कि फ्री होने वाले हो, ठीक है। अगर आप चाहे तो अपना जो है काम शुरू कर सकते हैं मेडिकल फील्ड में, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे यूनिवर्स ये आपको कहना चाहते हैं, अगर आपका कोई पैसा ले लिया है और अगर आपको पैसा नहीं दे रहा है वो इंसान, तो आगे आने वाले 5 डेज़ के अंदर, 5 वीक के अंदर, 5 मंथ के अंदर जो भी कर्ज आपसे लिया गया है वो वापस रिटर्न करेंगे, या आपके ऊपर अगर कुछ ऐसा कर्ज है, ठीक है, तो वो सारे कर्ज से मुझे लग रहा है कि आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा सिचुएशन जो कि बहुत टेंशन भरा है उससे आप फ्री होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये दो कार्ड बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स एंड देन यहाँ पे आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये दोनों कार्ड बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। सबसे पहली बात, कौन कौन यहाँ पे फॉरेन जाना चाहता है, यूनिवर्स आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है, मैं भी पूछ रही हूँ, क्या आप फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है पासपोर्ट में, वीज़ा में, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। या अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं और आपको अपने देश वापस लौट के आना है, होम सिकनेस हो, या आपको वहाँ मन ना लग रहा हो, या फिर अब वहाँ पे आपको जॉब ना करना हो, लेकिन अब आपको वापस से लौट के अपने देश में आना है, ठीक है, अपने जगह पे आके वर्क करना है, काम करना है, तो आप ये सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल होगा, ऑफ कोर्स होगा। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अभी आपके लाइफ में जो भी दो कन्फ्यूजन है, अगर इन डिसीजन में हो, वो आपका डिसीजन जो है इन डिसीजन ख़त्म होगा और आप एक अच्छा सा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लाइफ में ऑप्शंस जो थे वो ख़त्म होके एक सटीक, एक परफेक्ट डिसीजन लेके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, ये आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। और जितना हो सके उतना ज़्यादा यूनिवर्स या फिर नेचर के साथ, मदर नेचर जो है उनके साथ आप इंटरेक्ट कीजिए। रेस्टलेस मत रहिए, बेचैन मत रहिए। अगर रेस्टलेसनेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बेचैनी आपके अंदर होता है, ठीक है, ये आपका हेल्थ इशू भी हो सकता है। अगर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बेचैनी हो रही है तो वो बेचैनी कम होगा। ऐसा हो सकता है कि हार्ट के पास आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा हो, या आपके बैक में बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रहा हो, ठीक है, या फिर आपके लेग में, कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर बहुत बेचैनी हो रहा है और वो आप किसी से बता नहीं पा रहे हो, शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं शेयर कर दिया या कर देता हूँ या कर देती हूँ तो घर में प्रॉब्लम हो जाएगी, सब बहुत चिंतित हो जाएंगे, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, तो ऐसा नहीं है, आप अपना इलाज कराइए। ये चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स कहना चाहते हैं। अपने कोई भी प्रॉब्लम को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं आपको एक और दो बात बता देती हूँ कि अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अगर फॉरेन अपना कोई जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी ऐसा बाहर लेकर जाना चाहते हैं, तो आपका एक्सपेंशन हो रहा है आपके काम में, आपके वर्क में, मैं देख पा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन होने वाला है, ओवरसीज़ एक्सपेंशन हो रहा है, आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ बिजनेस है वो आपका डेफिनेटली एक्सपैंड होगा। थोड़ा सा आप दुखी या परेशान कुछ टाइम तक रह सकते हैं जब आप बिज़ी रहेंगे, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बिज़ी रहेंगे तो परेशान होने की क्या ज़रूरत है, अपने काम को इंटरेस्ट के साथ कीजिए, ठीक है, मन लगा कर कीजिए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे आपके लाइफ में जो कि आपके लाइफ में हमेशा नहीं रहेंगे, ठीक है, ये टॉक्सिक पीपल भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो टीचर की तरह है, जो कि आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक रहेंगे, उसके बाद आपके लाइफ से जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप कुछ लोगों से दूर जा रहे हो, डिटैचमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में 5 महीने के अंदर, 6 महीने या 2 महीने के अंदर या 2 वीक के अंदर, ठीक है, कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ से जा सकता है। जा सकता है मतलब हो सकता है कि कम कांटेक्ट हो जाए, कम बातें हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये लिविंग की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जहाँ पे हैं, जहाँ पे रहते हैं, जो काम करते हैं, तो उस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं और लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि एक नया डोर आपके लाइफ में ओपन हो रहा हो, एक नई चैप्टर की ओपनिंग हो रही हो, देख सकते हो कि यहाँ पे आपके लाइफ में एक नया डोर ओपन हो रहा है और आप अपने चॉइस से, अपने पसंद से लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते थे, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में जब आपके हाथ में एक बहुत अच्छा सा जॉब होगा तो आपको लगेगा कि वाह, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कुछ नहीं है, जॉब जो मुझे इतना पैसा दे रहा है, इतनी अच्छी लग्जरीस लाइफ दे रहा है, तो मैं उस पर जाऊँगा ना, मैं तो उस पर जाऊँगी, उस चीज़ को देखूँगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा समझ रहे हैं, अपने स्पिरिट, अपने सोल के पावर के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, यूनिवर्सल पावर को या फिर अपने ही सोल के पावर को टैप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप ही यूनिवर्स है। ठीक है, अपने अंदर झांकेंगे तो इनसाइड वर्ल्ड हो गया आपका। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत कंस्ट्रक्टिवली आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थ्री ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, कोई बहुत बड़ी पार्टी हो सकती है। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स से आप क्लियर कर चुके होंगे कि आपका फॉरेन जाना फिक्स है। ये कुछ लोगों का शादी के बाद भी हो सकता है, या फिर कुछ लोग अपने काम के पर्पस से ही मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर कोई फॉरेनर भी आपको आपका पार्टनर मिल सकता है। ठीक है, जिसके साथ आपका एक बहुत स्टेडी एंड रिलायबल मतलब रिलेशनशिप होगा या मैरिड लाइफ हो सकता है, और आप दोनों पोटेंशियल पार्टनर्स हो गए। ठीक है, दूसरी बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में मतलब आपकी डेस्टिनी, आपका जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो बहुत डेयरिंग होने वाला है, वो बहुत एडवेंचरस होने वाला है। और किसके साथ होगा? तो आपके पार्टनर के साथ होगा, आपके लवर के साथ होगा। आप अपने लवर के साथ घूमोगे, फिरोगे, एंजॉय करोगे, माइग्रेट करोगे, ठीक है, ट्रैवल करोगे। ये चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ, इसलिए मैंने बोला कि शादी के बाद भी कुछ लोग फॉरेन शिफ्ट हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपके कोई करंट पर्सन है, ठीक है, तो उनसे भी आपकी शादी हो सकती है। अगर वो आपके साथ चीटिंग किए थे तो अब वो हो सकता है वो चीटिंग को साइड में रख के आप दोनों एक नई शुरुआत करो। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि फॉरेन सेटलमेंट तो डेफिनेटली आपकी किस्मत में लिखा है, फॉरेन जाओगे, दुनिया को मुट्ठी में रखोगे, वो वाली एनर्जी यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन है, बहुत सारी पार्टी है, मतलब आपकी ये जो डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी आपको लाइक बहुत सारा रीज़न दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को जिए। ठीक है, ऐसे नहीं रहोगे, अपनी ज़िंदगी को जियोगे। और मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थ्री ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि अगर किसी के साथ आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तो उनके साथ रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, क्योंकि प्यार उनके मन में भी है, प्यार आपके दिल में भी है। तो अगर किसी भी छोटे मोटे कारण की वजह से ब्रेकअप हुआ है तो रिकॉन्सिलेशन होगा, पार्टी होगा, घर में पार्टी हो सकता है, गेट टुगेदर, शादी फिक्स हो सकती है आपकी, सेलिब्रेशन हो सकता है, सोशलाइजिंग कर सकते हो, कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा तो उसके लिए पार्टी हो रहा है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी हैप्पी टाइम्स जो है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग टाइम या पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करोगे। और साथ साथ अपनी लाइफ का कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट या इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है 3 महीने के अंदर जो है ना, आप मतलब उसको इन्जॉय करने वाले हैं, ठीक है, उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं, ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट है, बहुत ही ज़्यादा किस्मती पर्सन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे है विल ऑफ़ फॉर्चून की एनर्जी, एंड विल ऑफ़ फॉर्चून के साथ साथ यहाँ पे आपकी एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये दोनों कार्ड बहुत अच्छा है। ये दोनों कार्ड आपको बता रहा है कि आपका लाइफ मतलब हो सकता है कि बाकी सारे लोग जैसा ही स्ट्रगल भरा हो, लेकिन आपकी लाइफ बहुत आगे आने वाले टाइम में जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अमेजिंग होगा, क्योंकि आपकी किस्मत मतलब आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है। ये बात आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं खुद कि तुमने शायद अपने लास्ट जो भी लाइफ रही उसमें बहुत अच्छा कर्म किया है पास्ट टाइम में, ठीक है, इसीलिए तुम्हारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, गुड लक वाले हो तुम या वाली हो तुम। ठीक है, उसके बाद आप अपने इस जन्म में ही अपने सोलमेट से भी मिलेंगे और उनसे आपकी शादी भी होगी। ये भी यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, किससे? आपकी सोलमेट से ही आपकी शादी होगी, और ये सब आपके फेथ में, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। ये चीज़ कहना चाहती हूँ मैं। ठीक है, एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ कि अपने लाइफ में अनकंफर्टेबल मत रहिए, जो आ रहा है उसको एंजॉय कीजिए, जो जा रहा है उसको भी जाने दीजिए। ठीक है, आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि एक नया फेज शुरू होगा आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आ जाएंगे, एक नया ही ज़िंदगी, जैसे कि एक नया लाइफ आपको मिल गया हो, वैसा कुछ आपके लाइफ में होने वाला है। ओके, और आपके फाइनेंस की अगर बात की जाए तो बिग चेंज आर कमिंग, बिग चेंजेस जो है अब आपकी लाइफ में होगा। ठीक है, यहाँ पे चैलेंजेस जो है
किस तरह का चैलेंजेस हो सकता है, तो चेंज जो है ना वो चैलेंज बन के आएगा। जैसे रेसिडेंस में चेंज, लोकेशन में चेंजेस, तो वो आपके लिए चैलेंज बन के आ सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप 10 साल से 5 साल से एक जगह पे बस गए, फिर उस जगह को छोड़ के आपको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो उस चीज़ में आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर बार न्यू लोग से मिलना, न्यू लोगों के साथ सेटल होना, ठीक है, जान पहचान बनाना, वो चीज़ है। तो अब यहाँ पे आपके लिए एक बात और बता देना चाहती हूँ, आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल इनकम मिलने वाला है। अगर आपके फैमिली में कोई काम करता है, वर्क करता है, या कुछ विरासत में चीज़ें हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। शादी बड़े धूमधाम से होगी आपकी, बहुत ट्रेडिशनल वे में, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, ठीक है, ये चीज़ है। अगर आपका कोई भी अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, कोई डील चल रहा है जो नहीं हो पा रहा पूरा, तो वो भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि क्लियर होने वाला है। ओके, सो यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपके लिए, कार्ड्स लेती हूँ। ओके, फॉर्चून क्योंकि इसके थ्रू देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स देना चाह रहे हैं अभी आपको। ओके, देखिए यहाँ पे जो ये 4 कार्ड्स मैंने लिए हैं, उससे भी मैं आपको कुछ क्लैरिफाई करके बता देती हूँ सबसे पहले। ओके, सबसे पहले ये आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ये जो कार्ड्स है ना, ये आपको बता रहे हैं कि कैसे अपने आपको आप बड़े मुकाम पे देख सकते हैं। ये सब होगा आपके लाइफ में, लेकिन हासिल कैसे करोगे, तो हासिल करना है कुछ ऐसे आइडियाज़ मैं आपको बताऊंगी इन सारे कार्ड्स के थ्रू, जो कि आपको प्रोफेशनली इम्प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। यूनिवर्स खुद कह रहे हैं कि आपको प्रोफेशनली अपने आप को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। सो स्टे ऑर्गेनाइज्ड, आप ऑर्गेनाइज्ड रहिए अपने लाइफ में, बी पंचुअल, आपको पंचुअल रहना चाहिए, अपने गोल्स को क्लियर रखना चाहिए, ठीक है, अपने आप से प्राउड फील करना चाहिए कि हाँ मैं अपने आप से प्राउड फील करता हूँ, ठीक है। आप अपने नेटवर्क को फैलाइए, अगर आपका कोई बिजनेस है, अपने बारे में लोगों को बताइए, ठीक है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप सीख कीजिए फीडबैक को कि मेरा वो काम सामने वाला को पसंद आया या नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। आप मेंटोर फाइंड आउट कीजिए, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा, आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, पर्सनल रीडिंग पे कल तक आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है आपका, ठीक है। तो बुकिंग कर लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में आप बुकिंग कर सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, या कुछ भी, जो भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, आप ले सकते हैं, अभी बुकिंग कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिलेगा, ओके, और स्क्रीन पर भी शो किया मैंने जीमेल इंस्टा आईडी। तो बात यहाँ पे यह है कि आपको, मैं देख पा रही हूँ कि इन फ्यूचर एक टीम वर्क में होते हुए मैं देख पा रही हूँ, टीम वर्क कर सकते हो, टीम वर्क को आप कल्टीवेट कर सकते हो। आप अपने एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट कीजिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एबिलिटीज़ में कमी है, तो एबिलिटीज़ को या अपने स्किल को इम्प्रूव कीजिए, और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि जितना आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड काम करेगा, उतना ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। आप अप्रोच कीजिए चैलेंजेस को विद अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ, ठीक है। आपको इन फ्यूचर ये भी ज़रूरत पड़ेगा कि आप दूसरों की ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करें, सो रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन एंड फीलिंग, सामने वाले की फीलिंग की भी और ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट कीजिएगा, चाहे आपका प्रोफेशनल हो या फिर आपका पर्सनल लाइफ हो। और हमेशा आप अपने लाइफ में सीखते रहेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, तो पहले ही बता दिया गया है, ताकि आप पहले से ही रेडी हो जाए कि हाँ मुझे अपने लाइफ में बहुत कुछ लर्निंग करना है, सीखना है, मैं हमेशा रेडी रहूँगा इस चीज़ के लिए, या रेडी रहूँगी। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चेंजेस से घबराइएगा मत। ऐसा हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं तो चेंजेस से नहीं घबराती, लेकिन चेंज होंगे, लेकिन वही चेंजेस थोड़ा अप्स एंड डाउन्स लेकर आएंगे, लेकिन वही चेंज आपको इम्प्रेस करेगा, वही चेंज आपको आगे लेकर जाएगा। और अपने फॉलो थ्रू ऑन कमिटमेंट्स, जो भी आपने कमिटमेंट दिया है लोगों को, अपने आप को धोखा ना दे, जो बोला है किसी को कमिटमेंट दिया है, तो उस पर वर्क कीजिए, काम कीजिए, एक घंटे भी, आधे घंटे भी, लेकिन कीजिए। अब आपकी लाइफ कैसी हो सकती है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा फन एंजॉयमेंट भरा होगा। आप अपने सोल को एकदम हील कर रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो माइंड है वो बहुत इंटेलेक्चुअल हो रहा है, एनालिटिकल हो रहा है, सोच समझ कर काम करना, वर्क करना। अगर आप अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, अनफोकस्ड है, टायर्ड है, इरिटेटेड है, या इम्पेशेंट है, ठीक है, तो ये सब साइन है अनग्राउंडेड के, मतलब ये सब जो साइन है मैंने अभी आपको बताएं, ये सब खत्म होने वाला है आपके लाइफ से, और आप ग्राउंडेड होने वाले हैं डिवाइन सोर्स के साथ,
ठीक है, डिवाइन सोर्स को अपने अंदर, अपने सोल के अंदर, अपने बॉडी के अंदर लेकर आइए। कैसे? जितना हो सके उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए नेचर में, ठीक है। तो जो मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए जो अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप ऑर्गेनाइज रह सकते हैं, वो ज़रूर कीजिए। अच्छे अच्छे अफर्मेशन कीजिए, जैसे अफर्मेशन में आप कर सकते हैं, आई एम हेल्दी, प्रॉस्परस एंड हैप्पी, ऑल इज़ वेल, आई एम जॉयस। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन, ठीक है, बिल्डअप कीजिए। जैसे कि सुबह सुबह उठना, ठीक है, वेकअप एट अ सेट टाइम एवरी डे, मतलब आपका जो टाइम है उस पर आप उठिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो भी इधर उधर, मेरे अकॉर्डिंग आपका जो भी टाइम है उस अकॉर्डिंग, जैसे आपको 5 बजे उठना है 5 बजे उठिए, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, लेकिन कम से कम 6 बजे तक तो आप उठ सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए, रूल्स अच्छे अच्छे फॉलो कीजिए अपने लिए, ठीक है, अपने पुराने आदतों को छोड़िए, मेडिटेट कीजिए, ग्रैटिट्यूड तो हमेशा कीजिए। तो ये है पाइल वन आपकी रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करेंट फीलिंग हो, दुनिया के किसी भी कोने में रीडिंग ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट जो है वो अभी आपका ऑन है, तो फटाफट अपनी रीडिंग जल्दी से बुक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कल ये ओवर हो जाएगा। इसलिए और मैं प्रे करती हूँ कि आपकी डेस्टिनी बहुत ही खूबसूरत हो, आपको वो सब मिले जो आप चाहते हैं। सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल टू, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटिफुल डालिया कार्ड को। डिग्निटी का कार्ड है, क्या कहना चाहता है ये कार्ड, आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, ये सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी लोग रहिए पॉजिटिव। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में लिखा, क्या है जो कि मिलकर रहेगा, और क्या है ये जो कि अपने लाइफ में किस्मत में लिख सकते हैं खुद ही, ठीक है। सो मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, इसलिए आप लोग पॉजिटिव ज़रूर हो जाइएगा, मुझसे कनेक्ट हो जाइएगा, ताकि आप लोगों को एक्यूरेट मैसेज मिले और आप लोग डिवाइनली गाइडेड रहें। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो अपनी बुकिंग जल्दी जल्दी कर लीजिए। जिस भी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी कर सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ प्रोग्रेशन हो, या कुछ भी हो। ओके, सो फिलहाल की एनर्जी मुझे बहुत ज़बरदस्त दिखाई दे रही है कि किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से बैक स्टैबिंग किया है, किसी ने आपको बहुत बुरे तरीके से धोखा दिया है। डोंट वरी, ये धोखा जो है ना ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये धोखा बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ऐसा हो सकता है लव लाइफ के मामले में आपको धोखा मिला है, अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए कि वो इंसान मेरे साथ कैसा धोखा कर सकता है, ठीक है। पर ये सब आपकी लाइफ का बस एक क्या है, एक टाइम है, कि ऐसा टाइम है जो कि आपको सिर्फ सिखा रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है ना, ऐसा हो सकता है कि पास्ट की कुछ ही चीज़ों को लेकर आप बहुत परेशान भी अपने लाइफ में, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि कर रहे हो, आप देख सकते हो सामने वाला इंसान आपको धोखा देकर, हो सकता है कि वो जी रहा हो, इन्जॉय कर रहा हो, लेकिन आप दुखी हो, परेशान हो, ठीक है। सब मैं आपको बताऊंगी, सब सॉल्यूशन बताऊंगी, क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए जिससे आप निकल सकते हो, जिससे अपने डेस्टिनी में लिखे हुए चीज़ को जल्दी से जल्दी हासिल कर सकते हो। एकदम क्लियर क्लियर यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का मैसेज आया है, सॉलिट्यूड का मैसेज आया है, बहुत सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। एक लास्ट कार्ड मैं लूँगी, वो है आपका दिस वन। ओके, स्टडी। ठीक है, सबसे पहले एक कन्फ्यूजन आपके मन में है, वो ये है कि मैं पढ़ाई करूँ या फिर मैं बिज़नेस करूँ, ठीक है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है आपके मन में। तो ये कन्फ्यूजन को मैं क्लियर करती हूँ। अगर आपका बिज़नेस करने का बड़ा मन कर रहा है कि मुझे बिज़नेस करना है तो करना है, तो बिज़नेस कैसे करेंगे, आपको आइडिया भी तो होना चाहिए। तो स्टडी कीजिए बिज़नेस के लिए, ठीक है, सिंपली आपको ये कहा जा रहा है, स्टडी करना है, बहुत अच्छे से करना है, आपके लिए स्टडी ही सबसे ज़्यादा अभी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या स्टडी करूँ, बिज़नेस के लिए कर लीजिए, आपका स्टडी भी हो जाएगा, आपको नॉलेज भी मिल जाएगा कि हाँ मुझे किस बारे में जानना है, क्या करना है क्या नहीं, और बिज़नेस का ही स्टडी कर लेंगे तो स्टडी भी हो जाएगा, नॉलेज भी हो जाएगा, और बिज़नेस भी अपना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, एट एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक वाइस पर्सन हैं, और यही वाइस पर्सन की पहचान है कि वो इंसान, चाहे उसको अपने लाइफ में कितना भी कुछ क्यों ना मिले, ठीक है, चाहे वो अपने सोलमेट के साथ बैठा हो, चाहे अपने ट्विन फ्लेम के साथ बैठा हो, चाहे उसके लाइफ में कितने भी पैसे धन दौलत क्यों ना हो, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, वो हमेशा लोगों को समझे, वो हमेशा लोगों को गाइड करे, वो लोगों के लिए बुरा ना चाहे, वो लोगों का इंसल्ट ना करे। तो यहाँ पे एक मैसेज है आपके लिए कि ज़िंदगी में, आपके डेस्टिनी में आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कभी किसी को फूल या बेवकूफ़ नहीं बनाना है, कभी किसी के सामने अपना प्राइड, घमंड नहीं दिखाना है,
ठीक है, आपको एक वाइस मैन बनके, एक अच्छा इंसान बनके आगे बढ़ना है। यह आपके लिए एक मूल्य मंत्र है, एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस था। और उसके बाद भी एक और भी इम्पॉर्टेंट गाइडेंस ये है कि ज़िंदगी में चाहे आपको कम मिले, ज़्यादा मिले या बहुत मिले या कुछ भी हो, हमेशा एक ग्रैटिट्यूड की सर्कल में हमेशा आप रहिए। लाइफ में एक ब्यूटीफुल सा ग्रैटिट्यूड का माहौल बना के रखिए। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस इफ़ यू फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड। अगर आप ग्रैटिट्यूड पे अभी से फोकस करना शुरू कर दिए, जो भी पाइल टू देख रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो भी अभी से ग्रैटिट्यूड पे फोकस कर रहे हैं, क्या ही करना है, एक मिनट का टाइम लेना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गॉड, जो भी आपने मुझे दिया है, मुझे घर दिया, मुझे पैसे दिए, मुझे हाथ पैर दिए, ठीक है, मुझे आंखें दी देखने के लिए इस ब्यूटीफुल दुनिया को, मतलब कितने ब्लेस्ड हैं आप सभी लोग, ठीक है, मैं भी हूँ, आप भी हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि एक ग्रैटिट्यूड की भावना में रहिए। ये जो फ़ोन आपके पास, जिससे आप वीडियो देख रहे हो, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रहा है इस वीडियो से, यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सिंपली आप एक ऐसे कंटिन्यूस सर्कल में रहिए जो कि आपको एनर्जी दे रहा हो, और हमेशा थैंकफुल रहिए। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं जिस दिन से आपने ग्रैटिट्यूड शुरू कर दिया, उस दिन से जैसे कि लाइक आपने एक लाइक कोई भी रेसिपी आप बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप खीर ही बना रहे हो, तो खीर बनाने के लिए आप सारे चीज़ों को लेकर आओगे, मिल्क, ठीक है, लाइक जो भी है, तो वैसे ही आप एक शुरुआत करोगे। अगर आपको खीर खाने का मन हुआ, आप किचन में चले गए, खीर आपको मिल गया, ऐसा नहीं है, आपको उसको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी, या फिर ऑर्डर भी करोगे तो ऑर्डर भी करोगे तो उसमें भी प्रोसेस है। एग्जैक्टली आप प्रोसेस में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अगर आप जिस टाइम से ग्रैटिट्यूड शुरू कर देंगे, उसका जो भी 15 दिन है, 15 डेज के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिलने लगेगा, एंड यू विल अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। यहाँ पे सोल को, अभी आपके जो सोल है उसको ज़रूरत है अकेलेपन की, आपके सोल को आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, और आप दे रहे हो पूरी दुनिया को अटेंशन, ठीक है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। मैं कुछ आपको ऐसे लॉ बताऊंगी, लॉ ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। ये सोल सॉलिट्यूड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। अगर जिस दिन आप अपने आप से इंट्रैक्ट करेंगे, जो भी मैं बताने वाली हूँ, जो करके उससे आप बहुत ग्रो करेंगे, सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस पे ध्यान दीजिए। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपका क्या वीकनेस है और आपका क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब ये कैसा वीकनेस, कैसा स्ट्रेंथ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको पता होगा ना कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एक फुटबॉलर बनने में, और लोग फोर्स कर रहे हैं कि तुम बनो, मतलब क्रिकेटर, पर आपको पता है कि मेरा स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरा वीकनेस कहाँ है। एग्जैक्टली कहीं भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आपको प्राइवेट जॉब करने का मन है, लोग ज़बरदस्ती बोले गवर्नमेंट करो, गवर्नमेंट करो, या फिर कुछ लोग बोले गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, पर आपको मन है बिजनेस करने का, तो जो आपका स्ट्रेंथ है उस पर वर्क कीजिए। आप समय ना बर्बाद कीजिए, क्योंकि आपको तो वैसे भी बहुत कुछ ज़िंदगी को जीना है, एडवेंचरस लाइफ होने वाला है, बट ये सब कार्ड एक्सप्लेन करूँगी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो गाइडेंस है वो ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने स्ट्रेंथ को समझ लीजिए, अपने वीकनेस को समझ लीजिए। तो पहला मूल मंत्र आपके लिए है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस किस चीज़ का, अगल बगल का नहीं, अपने बारे में अवेयरनेस होना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आपके लिए ये भी इन्फॉर्मेशन है, डिसिप्लिन का होना, स्टे कमिटेड टू योर गोल। आपने जो भी गोल अपने लाइफ में डिसाइड किया, उसके लिए आपको कमिटेड होना होगा। आपको देखिए, सभी लोग चाहते हैं कि लाइक अंबानी बन जाए, ठीक है, बन सकते हो, ऑफ कोर्स उनसे भी ज़्यादा आप आगे निकल सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए डिसिप्लिन होना होगा। तो यही चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, स्टे कमिटेड टू योर गोल। उसके बाद यूनिवर्स आपको ग्रैटिट्यूड, जैसे यानी मैंने आपको बता दिया कि ग्रैटिट्यूड कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए व्हाट यू हैव, कंटिन्यूस लर्निंग कीजिए, नेवर स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होना है, ठीक है। और न्यू नॉलेज जो है लर्न करते रहे, आपका मन भी करता होगा कि मैं आज ये सीख लूँ, मैं वो सीख लूँ, आपका लगता होगा कि नहीं, मेरा तो मूड फ्लक्चुएट होता है। वो मूड फ्लक्चुएट नहीं होता है, वो आपका सोल आपको बोल रहा है, चीख चीख कर आपको बता रहा है कि सीखो, न्यू चीज़ें सीखो, न्यू स्किल सीखो, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो ये आपका सोल आपको फ्लक्चुएट इसीलिए करा रहा है ताकि आप नई चीज़ों में डूब जाएँ, नई नई चीज़ें सीखें। ओके, सो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जब आप प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे ना, तो उस टाइम आपको थोड़ा पेशेंस का भी ज़रूरत होगा, ठीक है। सो अलाउ टाइम फॉर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, आपको समय देना होगा अपने प्रोग्रेस पे, इस बात का ध्यान रखना होगा।
कि मुझे समय तो देना ही पड़ेगा, ग्रोथ एक बार में नहीं होता, घर एक बार में खड़ा नहीं हो जाता रात रात में, ठीक है, आपको मेहनत करना पड़ता है, लोग लगते हैं मेहनत करते हैं, टाइम लगता है, जितने लोग लगेंगे जितना टाइम देंगे उतना जल्दी बनेगा, लेकिन टाइम तो लगेगा। एग्जैक्टली आपके ग्रोथ में भी प्रोसेस चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सो पेशेंस रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर जैसे कि कुछ सेटबैक्स है, कुछ हार्डशिप है, तो उसको लेकर बैठे मत रहिए, उसके बारे में सोचिए मत, रोइए मत, ठीक है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि फोकस्ड रहिए, कंसंट्रेट ऑन योर प्रायोरिटीज़, आपका जो प्रायोरिटीज़ है उस पर फोकस्ड रहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो कार्ड और क्या है, सो ये बता रहे हैं इम्प्रेस द मूवमेंट एंड स्टडी। स्टडी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड पढ़ाई कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गिटार ही प्ले करना है तो उसमें भी बहुत सारे तरीके होते हैं कॉर्ड्स प्ले करने के। प्ले करने से पहले आपको कॉर्ड्स को बनाना सीखना होगा, ठीक है, कॉर्ड्स जो है बनाया जाता है, कॉर्ड्स हो गए, बहुत सारे म्यूज़िक होते हैं, म्यूज़िक कंपोज हो गया, ठीक है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ, ठीक है, म्यूज़िक गिटार वगैरह मैं भी बहुत ज़्यादा प्ले करती हूँ, पियानो, बहुत सारे हैं इंस्ट्रूमेंट, तो मैं आपको बता रही हूँ कि यस, ठीक है, चाहे आपका कुछ भी हो आपको उस पर थोड़ा सा वर्क करना होता है सिंपली। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि फोकस कीजिए, अपने प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दीजिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी चीज़ें आप सीख चुके हैं, जैसे आपने इंजीनियरिंग करके लाइक आप बैठ चुके हो या फिर कुछ भी करके बैठे हो, अब उसका ही फ़ायदा कुछ मिलने वाला है, कुछ नया फिर से सीख रहे हो, कुछ नया फिर से लर्न कर रहे हो, आपका दिमाग एक्सपैंड कर रहा है। जज मत कीजिएगा अपने आप को कि नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, आप बढ़ते चले जाइए, आप कर लोगे, ये मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर। इन सब चीज़ों के दौरान आपको अपने फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग पे ध्यान देना है, मेंटेन योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। और नेटवर्किंग मैं देख पा रही हूँ कि नेटवर्किंग मतलब लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ाना, तो वो बढ़ेगा आपका, और आप मतलब लाइक बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शन, लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ाइए, बनाइए, लेकिन ज़्यादा भीड़ लगाने से क्या फ़ायदा लाइफ में। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपके इस जर्नी में, लाइफ के जर्नी में बहुत सारे नए लोग मिलेंगे, जब नई नई चीज़ों सीखोगे तो नए नए लोग मिलेंगे, लेकिन उस जर्नी में आपको भीड़ नहीं लगाना, ठीक है, फालतू लोगों को अपने लाइफ में लेकर नहीं आना है, बच के रहना है, दूर रहना है लोगों से, और बिल्ड मीनिंगफुल कनेक्शन, अच्छे अच्छे लोगों के साथ ही कनेक्शन आपको बनाना है, यही चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको अडेप्टेबल होना होगा, थोड़ा सा क्रिएटिव पर्सन बनना पड़ेगा, ताकि आप जो है इम्प्रेस कर पाए एंड कल्टिवेट कर पाए, इम्प्रेस एंड कल्टिवेट योर क्रिएटिव साइड, बी फ्लेक्सिबल एंड ओपन टू चेंज, आपको यूनिवर्स से कहना चाहते हैं, ठीक है। निगेटिव थाट्स को ख़त्म कीजिए, थिंक पॉजिटिवली टूडे एंड रिपेल दोज निगेटिव थाट्स। आज से ही, अभी से ही आप लिखिए कमेंट में कि मेरे मन के जितने भी निगेटिव थाट्स हैं उसको मैं यहीं पे छोड़ रही हूँ, यूनिवर्स पे मैं सरेंडर कर रहा हूँ, ओके। सो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि फ्लेक्सिबल रहना होगा, ठीक है, अडेप्टेबल आपको बनना होगा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना होगा, मतलब कि स्टे प्रेजेंट एंड अवेयर, मतलब जो भी है उस चीज़ में प्रेजेंट रहना और अवेयर रहना, अपने आप को लेकर भी और पूरी दुनिया को लेकर भी, और कॉन्फिडेंट रहना होगा, बिलीव इन योर एबिलिटीज़, ठीक है, जेनरस बनना होगा, मतलब आप जो है गिव बैक एंड लाइक हेल्प अदर्स, लोगों की मदद भी करनी होगी, क्योंकि इस दुनिया में अगर आपको भेजा गया है तो ये अगर आपका सोल पर्पस है या नहीं है, लेकिन फिर भी मदद करने से एक अलग ही सुकून होता है, ठीक है, जब आप चैरिटी करते हैं तो चैरिटी करें या ना करें, लेकिन आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, इससे आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है, आपके अंदर का जो इंसानियत है वो बढ़ता है, आपको लगता है कि हाँ मैं एक इंसान हूँ, मैं एक ह्यूमन हूँ, मैंने कुछ अच्छा किया, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है, और इंटीग्रिटी के साथ मतलब एक्ट विथ ऑनेस्टी एंड एथिक्स, ठीक है, एथिक्स के साथ एंड ऑनेस्टी के साथ आपको काम करना है, और जो है अपने गोल को सेट करके रखना है और परस्यू करना है, जो भी आप चाहते हैं अपने लाइफ में, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, कीप अ स्टेडी अप्रोच। अब यहाँ पे जो टैरो कार्ड से उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो देखिए आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि चाहे आप अपने लाइफ में कितना भी धोखा देखे हो, कितना भी आप रोए हो, परेशान हो, जो भी हो, आपके तरफ जस्टिस आने वाला है, ठीक है, आपके तरफ एक जस्टिस आपको मिलेगा, इक्वालिटी आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं किसी भी तरह के प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो उससे मैं देख पा रही हूँ कि आप ओवरकम करेंगे, फिलहाल आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम, उससे आप ओवरकम करने वाले हैं। एंड सिक्स ऑफ सोर्स आपको ये बता रहा है कि आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर रहेंगे भी नहीं, क्योंकि उस जगह ने, उस प्लेस ने, उस घर ने, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव किया है, या फिर बहुत सारे बैड सिचुएशन में डाला है, या बैड लोग मिले हैं, तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मेंटली आप एक ऐसे सिचुएशन को छोड़ रहे हैं
जिसने आपको बहुत परेशान किया उसको छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मे बी ये एक रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी किसी तरह का टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, वर्क प्लेस हो सकता है। उस टॉक्सिक प्लेस को आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ओवरकम कर रहे हैं। और कैसे? नेगेटिव नहीं होके, कमज़ोर होके नहीं, बहुत स्ट्रांग होके, करेंज के साथ। इंडिपेंडेंस आपको मिल रहा है, इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, आपका इंडिपेंडेंस डे का डिस्काउंट ऑफर भी आना है। बुकिंग ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए, किसी भी हो दुनिया के कोने में बुकिंग ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन आपको जीमेल एंड स्टडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुरानी कुछ तकलीफ, ओल्ड हर्ट, पेन, टॉर्मेंट जो आपके अंदर बसी हुई है अभी भी, उससे आपको फ्रीडम मिल रहा है, उसमें आपको जस्टिस मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपने लाइफ में, परेशान हो चुके हैं, तो वो उस एग्जॉस्टन की एनर्जी से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी का ट्रस्ट आपने खो दिया या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है, तो रिगेन हो रही है आपकी एनर्जी, आपका लाइफ वो रिगेन हो रहा है, आप कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अपने कंट्रोल में होंगे, ठीक है। आपके अंदर करेज होगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में कि इतना ट्रॉमा बॉन्डिंग होता है कि हम खुद छोड़ नहीं पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है। लेकिन अब आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ हैविंग द करेज टू लीव अ क्योटिक सिचुएशन, किसी क्योटिक सिचुएशन को आप खुद छोड़ के जैसे कि आगे बढ़ रहे हो, उस ब्रिज को खुद तोड़ रहे हो जो आपको कनेक्ट करता है बुरे लोगों के साथ। तो बहुत ज़्यादा मैं आपके अंदर हिम्मत, स्ट्रांग एबिलिटीज, स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ। तो जब आप मूव कर रहे हैं तो सेफ्टी एंड कंफर्ट एंड सिक्योरिटी की ओर मूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। और कहीं ना कहीं जो भी आपके लाइफ में सेटबैक्स, हार्डशिप, क्योज रहे हैं, उससे आप ओवरकम कर जाएंगे। प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आएगी, तो आप अपलिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है आपको जस्टिस दिलाएगा। किसी भी तरह का कोई लीगल केस चल रहा है, कुछ भी, उससे भी आप फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपका है इंटेंस लव। आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में लिखा है कि कोई न्यू पर्सन आएगा, न्यू रोमांस होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस लव होगा, और वो इंसान आपके लिए कुछ भी कर गुजरेगा। वो वाली एनर्जी है, क्योंकि एक्शन की एनर्जी है। मतलब एक इंसान जो आपके लाइफ में एक महीने के अंदर आ रहे हो, मैंने रीडिंग भी डाला है कि आपकी शादी किससे होगी, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होगा, जल्दी से जाके उस रीडिंग को देखिए। मेरे चैनल बहुत सारे रीडिंग्स हैं, अब देखिए, बहुत मीनिंगफुल एंड डिटेल रीडिंग है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से टाइम देकर बनाती हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती आपके मामले में, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ है, फिज़िकल स्ट्रेंथ आपका बहुत अच्छा होगा, आप बहुत स्पार्क से भरते हुए दिखाई दे रहे हो, एंथुसियाज्म आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, लोगों के लिए आप बहुत वैल्यूएबल हो रहे हो, आप एक बहुत टैलेंटेड पर्सन मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप लोगों से बोर हो जाएंगे, लेकिन लोग अब आपसे बोर नहीं होने वाले। उसके बाद यहाँ पे है टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, 2-2-2, 3-3-3, 5-5-5 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि लाइफ आपको बहुत सारा रीज़न देगा ग्रो करने का। लाइफ आपको बहुत सारा रीज़न दे रहा है ज़िंदगी को जीने का, इमोशनल। इतना तो आप जान लीजिए कि आपकी किस्मत में लिखा है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने सोलमेट के साथ बिताएंगे, या कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, उससे आपकी शादी भी होगी, और बहुत अच्छे तरीके से, धूमधाम से यहाँ पे आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ कार्ड्स यहाँ पे मैं मूनोलॉजी मैनिफेस्टेशन कार्ड्स के थ्रू देखना चाहती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, क्या मिल सकता है। सबसे पहली बात तो बिगर पिक्चर पे देखिए, क्योंकि बड़े चीज़ों के लिए आप बने हैं, छोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। आप सेटल मत हो जाइए छोटी चीज़ों को लेकर। सबसे पहली बात, आप डरते बहुत हैं, अपने डर को ख़त्म कर दीजिए, लेट योर फियर डिसॉल्व। जैसे आप अपने डर को ख़त्म करेंगे, डर के आगे जीत है, वही वाली बात यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। एंड एक कार्ड और देखेंगे, वो है आपका ओके, ऑनर योर फीलिंग। किसी से प्यार करने से पहले, किसी को अपना बनाने से पहले, अगर ये आप सोच रहे हैं कि वो मेरी फीलिंग की रिस्पेक्ट करेगा, वो मुझसे प्यार करेगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप अपनी खुद की कदर कीजिए। तो सेल्फ केयर पे अभी से आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे, अपनी फीलिंग की केयर करेंगे। और फिर से देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है, मैंने पहले ही देख लिया है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है, मतलब फिर से ग्रैटिट्यूड करने को कहा जा रहा है। तो होपोनोपोनो प्रेयर करके आप लोग सभी लोग ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, अभी के टाइम में बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी फॉर्चून कुकीज़ के थ्रू मैसेजेस आपको क्या मिलेगा, डेस्टिनी में क्या लिखा है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, मेरे व्यूअर्स के लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट मैसेज दीजिए। डिफ़िकल्ट टाइम्स जो है आपके लाइफ के ख़त्म होंगे, क्योटिक सिचुएशन आपकी लाइफ से ख़त्म होगा, एक इमोशनल कनेक्शन आपका मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है लोगों के साथ। और देखते हैं,
सन साइन की एनर्जी है, सन डेफिनेटली अब आपके ऊपर ही शाइन करेगा, ठीक है। आपके करियर और बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ लिखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के साथ बहुत अच्छा फैबुलस कम्युनिकेशन, और स्पेशली अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, उसी से शादी करनी है, मुझे तो उसी से करनी है, मुझे उसी के साथ रहना है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपका डेफिनेटली होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है मैनिफेस्टेशन, वाओ दैट्स ग्रेट। किसी भी चीज़ को अगर आपने अभी के टाइम में मैनिफेस्ट किया है तो वो आपकी किस्मत में लिखा है कि मिलेगा आपको, मैनिफेस्ट कर लिया बहुत अच्छी बात है, और जल्दी मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? 1 महीने के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, आप चाहे 21 डेज़ का किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन किया हो, ठीक है, मैं तो आपको बोलूँगी ज़्यादा टाइम लगा के कीजिए, अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए, जल्दी चीज़ें वो सब मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कार्ड्स और भी देखेंगे क्या है इन्फॉर्मेशन। आप लोग ज़रूर कनेक्ट हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ताकि आपको इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग हमेशा मिले। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ डिस्काउंट ऑफर आते रहते हैं, कल तक डिस्काउंट ऑफर आपका है, बुकिंग कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले लीजिए, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में हो ले सकते हो, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। यहाँ पे एक कार्ड और देखेंगे, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तरसे हो, बहुत तड़पे हो, जैसे कि मुझे कोई प्यार करने को मिले। एक बॉटम ऑफ द डेक है आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको बहुत डीपली समझने वाला, ठीक है, कोई बहुत डीपली प्यार करने वाला, टूट कर प्यार करने वाला, बहुत ऑनेस्टली लव करने वाला, ठीक है, आपको समझने वाला, आपके बातों को सुनने वाला, जो आपकी फैमिली भी नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके साथ डीपली कनेक्टेड होगा, और उस इंसान के साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। देख सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे का सहारा बन के साथ हो, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका किसी के साथ एक बहुत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रहा है, इसलिए मैरिज की रीडिंग ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने डाला है, ओके। सो मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें। सो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी। हे पाइल थ्री, होप कि आप अपने इस बर्थ डेट को सेलेक्ट करके आए हैं। 21 से लेकर 31 के बीच में आपका बर्थडे आता होगा, या फिर आपने इस ब्यूटिफुल कार्ड को सेलेक्ट किया है, थैंकफुलनेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है यूनिवर्स देना चाहते हैं, कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, और कैसे उस डेस्टिनी से जल्दी चीज़ों को लेकर आ सकते हैं, और क्या जो नहीं लिखा है उसको भी आप अपने लाइफ में पा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। और आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आप लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट कल ही खत्म हो जाएगा, ये भी है, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी रीडिंग आप सभी लोग ले सकते हैं। मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ प्रोग्रेशन हो, या कुछ भी हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को रहना है एकदम पॉजिटिव, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग मुझे बहुत भोले भाले से और बहुत क्यूट से लग रहे हो, ठीक है। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैं देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको खुद बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, और इसी अच्छाई के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग बेवकूफ़ बना दिए हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, अभी भी ऐसा हो सकता है कि कर रहे हो और आप समझ नहीं पा रहे, समझ भी रहे तो कैसे उस चीज़ से निकले, छुटकारा कैसे मिलेगा ऐसे इंसान से, ठीक है। कोई फ्यूचर है या नहीं, कुछ है या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे मन में आपके थॉट्स हैं, कंफ्यूजन है, सब मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तभी तो आपकी डेस्टिनी, अभी आप मेहनत करोगे तभी तो आगे आने वाले टाइम में आपका डेस्टिनी अच्छा होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है, लाइक लॉ ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, जो कि आपके अंदर होना चाहिए। ये लॉ ऑफ मैच्योरिटी क्या है वो मैं क्लियर करके आपको बताती हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी सारी बातें, स्टॉप टेलिंग एवरीथिंग, ठीक है। आपके लाइफ में जो सामने लोग हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सारे लोग बहुत अच्छे हैं और आपका अच्छा चाह रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये गलत है। आप ऐसा जो सोच रहे हैं कि ये जो लोग हैं मेरी लाइफ में सब मेरे लिए बहुत अच्छा चाह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा चाह रहे हो, बाकी सब लोग तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में जान लेते हैं, आपके आइडियाज़ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो सकते हैं, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो लोग आपके बारे में जान लेते हैं, आपसे फ़ायदा उठा लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, वही जो सब लोग करते हैं, जो बुरे पीपल करते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात एक चीज़ सीखनी होगी आपको, अपने डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों एनर्जी को इक्वल रखना और कंट्रोल रखना,
ठीक है। तो जैसे लॉ ऑफ मैच्योरिटी के बारे में बात कर रही थी मैं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी सारी बातें सारे सामने वाले लोगों को डिस्कस ना करें, नहीं बताएं, सभी लोग उस लायक नहीं है। फाइव ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, दोनों कार्ड्स आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ना किसी को अपना मान के बहुत कुछ बता दिए, बहुत कुछ शेयर कर दिए, ठीक है, या फिर किसी को सब कुछ अपना सीक्रेट बता दिया, आपने सब कुछ उस इंसान के ऊपर निछावर कर दिया, और लास्ट में क्या हुआ, मतलब केयर भी नहीं, ठीक है, मतलब मोस्ट पीपल डोंट केयर एंड सम सीक्रेटली वॉन्ट यू टू फेल। मतलब सीक्रेटली कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके लाइफ में जो कि चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में फेल हो, या फिर आप कोई अपने लाइफ में ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई पार्टी है, कोई इन्जॉयमेंट है, तो वो स्पॉइल हो जाए, ऐसा कोई इंसान दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ऐसे इंसान को आप खुद ही सर पे चढ़ा के रखे हैं, ऐसे इंसान को सर पे से उतारना है, ऐसे इंसान के सामने आपको डरना ही नहीं है, ऐसे इंसान के सामने आपको एकदम हाथ जोड़ के एकदम स्ट्रांग पर्सन बन जाना है, एकदम अपने हैंड को लॉक करके, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं। बात ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले 15 डेज के अंदर या 5 डेज के अंदर ऐसा कोई इंसान आ सकता है आपके लाइफ में। ये इंसान आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं, बल्कि आपको लेसन सिखाने के लिए आ रहा है कि आप किसी पे ऐसे ही ट्रस्ट ना कर लें, ठीक है। हो सकता है आगे आने वाले बड़े चीज़ों से, बड़े प्रॉब्लम से आपको बचा दे ये इंसान। तो सीखना आपको क्या है कि आप अपने लाइफ में सब कुछ सबसे शेयर ना करें। जो आप सोच रहे हैं कि ये सब लोग जो है मेरे सभी वेल विशर हैं, सभी नहीं है, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत चाहते हैं मतलब कि आप फेल कर जाए सीक्रेटली। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो चूज़ योर फ्रेंड वॉइसली, अपने जो आप फ्रेंड बनाएंगे उसको वॉइसली चूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, द फास्ट वे टू बिकम बेटर इज़ टू सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल या बेटर पीपल। अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी ग्रो करूँ, मैं जल्दी से जल्दी अपने लाइफ में अच्छा करूँ, तो आप अपने आप को अच्छे लोगों से ही सराउंडेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगा कि आपके दोस्त के रूप में या कोई जेंटलमैन सा पर्सन या बहुत अच्छी सी पर्सन बनकर आपके लाइफ में कोई आए जो आपको फाइनेंशियली भी यूज़ करे, मेंटली इमोशनली हर तरीके से यूज़ करने की कोशिश करे, इसलिए मैंने आपको अच्छे से गाइड कर दिया, ठीक है। उस इंसान के पास कुछ पेट हो सकता है, अब कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, लेकिन हो सकता है, वैसे इंसान से आपको थोड़ा बचना है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप भी कोई ख़राब करने की कोशिश करे, तो बाहरी लोगों को बस ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, ठीक है, और किसी से कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए, और अप्रिशिएट लोगों को कीजिए, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर अप्रिशिएट कीजिए। बी ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ टू फाइंड इनर पीस। अगर आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ में इनर पीस हो, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन इनर पीस ही नहीं है, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको छोटे छोटे चीज़ों को लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहना होगा, ठीक है, ग्रेटफुल रहना होगा, तो आप इनर पीस अपने लाइफ में फाइंड आउट कर पाएंगे। डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप अपना बेस्ट दीजिए और प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। आपको मुझे ऐसा मैं देख पा रही हूँ, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा लकीएस्ट होते चले जाएंगे, ये बात तो आप जानते ही होंगे, द हार्डर यू वर्क द लकीएस्ट यू विल गेट, ठीक है। कुछ बातों का कंट्रोल रखिएगा, जैसे अपने आप को कंट्रोल रख सकते हैं, कंट्रोल योर सेल्फ नॉट अदर्स, कंट्रोलिंग अदर इज़ अ स्ट्रेंथ, कंट्रोलिंग योर सेल्फ इज़ ट्रू पावर, ठीक है। अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं तो ये तो स्ट्रेंथ हो गया, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लिए, ये एक ज़बरदस्त पावर है जो कि आप अपने अंदर डेवलप करते हुए, मैं देख पा रही हूँ कि अपने अंदर डेवलप करोगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लोग चाहते हैं कि आपका अटेंशन पाए, लोग चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, दुखी हो, परेशान हो, सो ये चीज़ सीखिए, लर्न टू रिएक्ट लेस, और सीख भी लोगे, तभी तो आपकी ये रीडिंग में आ रहा है। सो When you control your reaction, जैसे आप अपने reaction को control करेंगे ना, कोई आपको manipulate नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके reaction को देख कर ही और वो manipulate करेगा, ठीक है। तो इस बात का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब कि जब मैं react करती हूँ या फिर मैं कम react करूँगी या फिर मैं react ही नहीं करूँगी या फिर मैं अपने reaction पे control रखूँगा, nobody can manipulate me, मुझे कोई manipulate नहीं कर सकता। फाइव ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि किसी का इंतज़ार अगर आपका है, कोई क्रश वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, जिसने आपको बुरी तरीके से धोखा दिया है, उस इंसान का इंतज़ार ना करें, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है, अपने पास्ट को छोड़ दीजिए। आप जो है आउट ऑफ कंट्रोल आपकी लाइफ में क्या है, पास्ट, रिजल्ट, फ्यूचर, अदर पीपल ओपिनियन, वॉट अदर थिंग्स अबाउट यू, ये सब के बारे में आप छोड़ दीजिए।
जो आपके कंट्रोल में है वो है आपका थॉट्स, योर वर्ड, माय थॉट्स, माय रिस्पांस, सेल्फ अवेयरनेस, हाउ आई ट्रीट अदर्स, ये सब आपके कंट्रोल में, ये सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने लाइफ में बाउंड्रीज सेट कीजिए, ये सब कहा जा रहा है, क्योंकि हर्ट करने के लिए तो बहुत सारे लोग आपके लाइफ में बने हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मिलेगा क्या क्या। सबसे पहली बात मैं देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत स्ट्रांग ज़िद्दी पर्सन भी बन सकते हैं, ठीक है, ज़िद्दी हो सकते हो, और लेकिन अच्छे रहोगे, ऐसा नहीं है, काइंड रहोगे, बहुत अच्छे रहोगे, ऐसा नहीं है। आप हेल्प करोगे लोगों को, पैम्पर करोगे, सपोर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी किंग की एनर्जी होते हुए दिखाई दे रही है, देख सकते हो। एंड यहाँ पे ओके, देखिए टू ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे एक और पाइल में ये आया था कि वो अपने सोलमेट से मिलेंगे। देखिए आप लोग भी अपने सोलमेट से मिल रहे हो, लकी हो आप लोग कि आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, जिस भी इस पाइल को जिसने भी चूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, अपनी जर्नी शुरू करेंगे, अपनी ज़िंदगी अपने अकॉर्डिंग जिएंगे, ठीक है। आप डेफिनेटली एक बहुत सिक्योर एंड स्टेबल लव लाइफ में रहेंगे, ठीक है। लव लाइफ की बात हो रही है, मतलब मैरिड लाइफ की भी बात हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आपका लव मैरिज जो है ना वो मुझे लग रहा है कि बड़े धूमधाम से होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका लव मैरिज हो सकता है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप एक राजा बनने वाले हैं, आप एक रानी बनने वाली हैं, आपके पास सब कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ बात का ध्यान रखना है, गिव अप कुछ चीज़ों पे अगर नहीं किए, ठीक है, तो आप जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, जैसे मेहनत करना है, और कुछ चीज़ें हैं जो जिस पे गिव अप कर देना है, ठीक है, तब अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, जैसे एक्सक्यूजेस हो गया, गॉसिप करना हो गया, सेल्फ डाउट हो गया, टॉक्सिक हैबिट हो गया, फियर ऑफ फेलियर हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, निगेटिव सेल्फ टॉक हो गया, और कुछ डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है, उससे प्लीज़ आप सभी लोग फ्री हो जाइए। ये किसी भी तरह का डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप हो सकता है और आपको पता चल रहा है ये किस तरह का है, उससे आपको फ्री होना है। ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन, सबको प्लीज़ मत कीजिए, ठीक है, जो डिज़र्व करते हैं उसको कीजिए। उसके साथ साथ आप अपने कम्फर्ट जोन में रह रहे हैं, ये चीज़ आपको गिव अप कर देना चाहिए, ठीक है। स्टेइंग इन योर कम्फर्ट जोन पर गिव अप कीजिए, थिंग्स जो टू गिव अप जो मैं आपको बता रही हूँ, और इस पर भी गिव अप करना है कि लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ और अदर, आप अपने आप को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दूसरों को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं करना आपको, ठीक है। ये एक राजा में क्वालिटी नहीं होती, राजा में क्वालिटी होती है कि वो खुद भी अपलिफ्ट हो और दूसरों को भी अपलिफ्ट करे, ओके। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में न्यू एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, न्यू फ्रेंडशिप हो रही है, और न्यू फूड खा रहे हैं, लोगों को माफ़ कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सनराइज सनसेट आप देख रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को आप फील कर पा रहे हैं। यही तो है ना लाइफ, कि छोटी छोटी चीज़ों को फील करें, इससे ज़्यादा क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये आपका लग्जरियस लाइफ होगा, आपके पास पैसे तो बहुत होंगे, और पैसे से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि आपका लव लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा रहेगा, और मैं प्रे भी कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन बताऊँगी। तो सोल पावर मतलब आप इस जन्म में ही आप अपने सोल का जो पावर है उसके अनलिमिटेड सप्लाई को एक्सेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो चाहोगे वो मिलेगा आपको इस जन्म में, ठीक है। बॉडी अच्छी रहेगी, माइंड अच्छा रहेगा, सोल अच्छा रहेगा। अभी फ़िलहाल आपके बॉडी माइंड सोल को नरिशमेंट की ज़रूरत है, ध्यान दीजिए इस पर, एनर्जी कीजिए, अपने अंदर भरिए, री एनर्जाइज हो जाइए। कैसे कैसे करना है अभी भी पूछोगे ना, यस, कैसे कर सकते हो, टू कनेक्ट एंड स्पेंड सम क्वालिटी टाइम आउटडोर, बाहर जाइए, बाहर घूमिए फिरिए, बाहर आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिलेंगे, लोग नहीं मिले तो आप नेचर में जाइए, ये चीज़ आपको कहा जा रहा है। उसके बाद दो कार्ड ये है, आपको ऐसा लगता है कि आप इस धरती पर अकेले हैं, इस यूनिवर्स में अकेले हैं, पर कोई ना कोई एक ऐसा इंसान तो आपके लिए ज़रूर बनाया गया है जो आपका सोलमेट है, ठीक है, और वो इंसान आपको मिलेगा जो कि आपके सोल के लैंग्वेज से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके सोल के लैंग्वेज को कनेक्ट करेगा, समझेगा आपको, आपके बारे में समझेगा, जो कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, जो कि आपकी सैडनेस में, जो कि आपके लोनलीनेस में आपके साथ होगा, और आप होगे उसके फैमिली और वो होगे आपके फैमिली, ठीक है। चाहे आप दो ही मेम्बर क्यों ना हो, आप लोग फैमिली होगे, और फ्रेंडशिप से ये शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो मतलब आगे आने वाले टाइम में यू विल नेवर वॉक अलोन, ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ होंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपके सोल के लैंग्वेज से कनेक्ट होंगे, कि आपका मन क्या कह रहा है, अब आप क्या बोलने वाले हो, सब कुछ बताएंगे, और कहीं ना कहीं
आपका इंट्यूशन आपके लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट बन जाएगा जो यूनिवर्स आपको देने वाला है। आप अपने इंट्यूशन का बड़ा इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इंट्यूशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, ठीक है। आप जब अपने लाइफ में अपने पार्टनर से, सोलमेट से मिलोगे ना, तब आप और भी बहुत इंट्यूटिव हो जाओगे क्योंकि आपका टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अब देखिए यहाँ पे फोर कार्ड्स और भी है, वो यह बता रहा है कि आपके अंदर जो मदर फिगर है, फेमिनिन एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि अनबैलेंस हो रही है, ओवरली नहीं हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, जितना होना चाहिए उतना। मैरिज प्रपोजल मिल रहा है बहुत सारे लोगों को और न्यू पर्सनल या फिर प्रोफेशनल पार्टनरशिप आप करने वाले हैं और आप बहुत ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, डैम ब्यूटीफुल। चाहे आप लड़की देख रहे हो, लड़का देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, मेल फीमेल, डैम ब्यूटीफुल होने वाले हो। बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, यंगनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। जिम वगैरह हो सकता है ज्वाइन कर लो या कर लिया है तो बहुत जल्दी ही आपकी बॉडी फिट एंड फाइन होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है सन गॉड का आपको ब्लेसिंग्स मिलना चाह रहा है लेकिन आप ले ही नहीं रहे हो, सही समय पर उठ नहीं रहे हो, न सनराइज़ देख रहे हो न सनसेट देख रहे हो। ये दोनों देखना ज़रूरी है तभी आपको पता चलेगा यस आई एम अलाइव, मैं अलाइव हूँ, इस धरती पे हो। तो आप उस चीज़ को देखिए, सन गॉड जो आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं तो उनके रे से ही ले सकते हो ना, तो सबसे अच्छा टाइम सनसेट होता है और उससे भी बेटर सनराइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपको मदर फिगर से, जो भी माँ दुर्गा माँ काली जिन्हें भी आप मानते हैं, ठीक है, उनसे आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है और हो सके अच्छे किस्मत के लिए, गुड फॉर्चून के लिए जो काऊ माता होती हैं उनको आप सर्व कीजिए। और पर्सनली के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। किसी भी टॉपिक पे आप लोग रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी रीडिंग ले सकते हैं। ग्रेटेस्ट डिस्काउंट जो है वो कल तक है, ख़त्म हो जाएगा, सीट्स भी लिमिटेड है, बुकिंग कर लीजिए। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, आप एक अनस्टॉपेबल पर्सन रहोगे, द अनस्टॉपेबल, एंड बहुत ब्रेव रहोगे, बहुत पावरफुल रहोगे और श्योरली आपकी किस्मत में लिखा है सक्सेसफुल होना। लेकिन आपको अपने फियर से ओवरकम करना होगा, डरना नहीं होगा किसी बात को लेकर। मैं हूँ ना आपके साथ, गाइडेंस चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ओके। मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, अच्छे से रहें, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपने ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।